This is question paper. Paper page number 1, then 2, 3, 4. This is question paper. Now that is probe starting. Give your question number and very seriously, very neat and clean, you should give the answer. Page number 1 से question number देखे ठीक ढंग से इस question का answer में गरीबी हालत में 98 से कम नहीं रहेगा. अब चूंकि एक दो नंबर काटना कई बार मजबूरी भी हो जाता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है यदि सही रहा तो 100 भी मिल जाए. इस ढंग से आपको देना है ना. दिस इज एपल ट्री में आपको ग्रामर से संबंधित चीज मिलेगा, आपको खाली जगह मिलेगा, क्वेश्चन टेग मिलेगा. ये क्वेश्चन टेग है. विल यू हेल्प मी वॉन्ट यू, तो क्वेश्चन टेग है. इसका मुख्य उद्देश्य है कि चलते फिरते देखते रहो. जैसे वहाँ पर हम लोगों ने क्या किया कि हमेशा घेरे में रही अंग्रेजी का. हम लोग क्या करते हैं कि जब बहुत ज़्यादा जरूरी वी आर इन सीरियस मोशन दैट टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इंग्लिश ओनली दैट इन दैट केस वी टच अवर इंग्लिश अदरवाइज देयर इज नो रूम एट ऑल टू लर्न इंग्लिश आउट टू लर्न इंग्लिश. सो डियर फ्रेंड्स कम हियर. आराम से इसको देखा जा सकता है. नोटिस कैसे लिखा जाता है या फिर किसी चीज का विज्ञापन कैसे दिया जाता है. यू कैन लुक एट इट. अपार्ट फ्रॉम दिस वन यू कैन एडवाइस टू दैट मेंबर फील्ड. इस आम के फील्ड में यू विल बी एबल क्वायर कैन स्वयं इट कैरी पांच नंबर का होता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दियर यू कैन सी दैट वन. यू कैन सी दैट वन इंग्लिश मेरे इंटरव्यू ठीक नहीं हुआ, मैं फेल हो गया क्योंकि मेरा अंग्रेजी बहुत बेकार आ गया. अंग्रेजी में मैं बहुत हुआ हूँ. हियर द बॉय इज लाफिंग गुंगा आई गॉट द पोजीशन आई पास इन इंटरव्यू बिकॉज आई एम गुड एट इंग्लिश. मेरा अंग्रेजी बहुत अच्छा. यू कैन सी टू दैट इंग्लिश हाउस. दिस इज द हाउस ऑफ सक्सेस. दिस इज द हाउस ऑफ सक्सेस इज देयर 1, 2, 3, 4, 5 देन. Okay, now when you are entering into the home of, into the house of English, what will you get? यदि आप अंग्रेजी के घर में घुसते हैं तो आपको क्या मिलता है? You will get here, आपको मिलेगा ability. आपको कोई योग्यता अपने आप नहीं जाता. आपको grace, आप करती करेंगे. You will get confidence, आपको confidence मिलेगा. You will get personality, आपका personality अपने अलग अपने ही अलग बन जाता है. अपॉर्चुनिटी बहुत सारा आपको मौका मिलेगा. ऑनर आपको सम्मान मिलेगा. पब्लिसिटी आपको अपने देश से बोलना जब अंग्रेजी बहुत बड़ा खतरा हो रहा था है ना. अंग्रेजी को हम लोग भूताहा समझते थे, डरते थे. अब देश है बोलना. अब चला गया वो दिन इंग्लिश से प्रेजेंट और आज के दिन में अंग्रेजी सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे कम ऑन गेस इंग्लिश इज सो इजी. आओ दोस्तों अंग्रेजी बहुत आसान है. क्या मिलता है इससे? सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट. सो यू हैव टू गो टू द लाइब्रेरी एंड यू विल गो टू द बुक्स ऑफ जापान एंड ओनली देन यू कैन डू समथिंग वेल इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इन जापान. सो इट इज कॉल्ड लाइब्रेरी लैंग्वेज. नाउ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू